प्यारे गोकुलधाम वासियों, कुत्ता काटेगा इस डर से आप लोग इस कुत्ते को सोसाइटी में रखने से मना कर रहे हैं, बराबर। अबे मेरे को एक बात बताओ, कुत्ते तो सड़क पर भी होते हैं, तो क्या हम लोग सड़क पर चलना छोड़ दें? बोलो। जब से ये प्यारा कुत्ता यहाँ पर आया है, किसी को काटा है नहीं ना? दुनिया में ऐसी कई सोसाइटी है जहाँ पर कुत्ते होते हैं जो काटते नहीं है। और आत्माराम, ऐसी सोसाइटी में भी स्टूडेंट ट्यूशन को आते हैं, डॉक्टर के बाद पेशेंट आते हैं, पर कुत्ते को तो इंसान का बेस्ट फ्रेंड कहा गया है। एक बार इंसान इंसान का दुश्मन हो सकता है, लेकिन कुत्ता अपनी वफादारी कभी नहीं छोड़ता। वह इंसान के साथ वफादारी का फर्ज हमेशा निभाता है, तो हमें भी अपना इंसानी फर्ज समझकर हमारी शरण में आए तो प्यार से कुत्ते को रहने देना चाहिए। और रिसर्च से पता चला है कि जहां पर कुत्ता होता है वहां पर हैप्पी एटमॉस्फेयर होता है, मतलब जड़ालाल खुशी का वातावरण। वो नहीं। और इंसान कुत्ते को देखने के बाद अपना दुख और टेंशन सब भूल जाता है। आत्माराम, कुत्ते को ट्रेनिंग दी जाए तो बहुत काम आता है, सोसाइटी में चोर लुटेरे आएंगे ही नहीं। हाँ, हमारे सर कह रहे थे एक बार एक कुत्ते ने तालाब में से डूबते हुए आदमी को बचाया था। हाँ, और एक बार तो एक कुत्ते ने बच्चों को उठाने वाले गैंग को भी पकड़वाया था। ओह नाइस। क्या बात कर रही हो? हाँ, एक बार अमेरिका में एक कुत्ते ने गार्डन का नल चालू करके पूरे घर पे पाइप से पानी उड़ाया था। गोगी टिकरा, उसमें नया क्या है? मम्मी, घर में आग लगी थी और कुत्ता आग बुझा रहा था, तो हुई ना नई बात। अरे जिस सोसाइटी में कुत्ता होता है वहां पर चोर नहीं आते हैं, अनजान लोग आने से डरते हैं। कुत्ते का इम्पोर्टेंस तो सदियों से है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि कुत्ता ही एक ऐसा प्राणी है कि जिसको महाभारत में युधिष्ठिर के साथ में स्वर्ग जाने का वरदान मिला था। ओहो, यस, बिल्कुल सही, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। सही बात है कोमल, गजराज की सोसाइटी में भी तो कुत्ता है ना? यार रियली? और उनके पास भी तो पेशेंट्स आते ही हैं। हाँ, बहुत पेशेंट आते हैं। हाँ। कौन गजराज? मेरे देवर जी। कौन देवर जी? मेरे भाई, जेठा भाई। और डॉक्टर है? हाँ। और कहते हैं कि जहाँ कुत्ते होते हैं वहाँ भूत नहीं आते। हाँ, और देखे ना इस डॉगी को, कितना प्यारा है ये। हाउ इनोसेंट ही लुक्स। हाँ, कितना प्यारा है, करेक्ट, एकदम करेक्ट कहा तुमने बबीता। हाँ, उसकी आंखों में देखिए, वो हमें अपना समझ रहा है। हाँ, सच्ची हो तो हमें भी इसे अपना लेना चाहिए। नहीं, अरे बपड़लाल, सपने हमेशा सच नहीं होते, और हकीकत में एक केस तो ऐसा है कि एक लड़का लड़की की शादी इसलिए हुई कि उन दोनों के घर में कुत्ता था, दोनों के विचार मिल गए और शादी हो गई। वाह, कुंडली मिली ना मिली, कुत्ते मिल गए। भाई, कुत्ते को सोसाइटी में ना रखने की बात कैंसल। कैंसल। मैं इस प्यारे से कुत्ते को सोसाइटी में रखने के पक्ष में हूँ। हम लोग तो क्या बोल सकते, ने तो सारा खेल बिगाड़ दिया। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी अभी हुए बहुमत के आधार पर मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी इस कुत्ते को इस सोसाइटी का मेंबर घोषित करता हूँ, और ये जाहिर करता हूँ कि कुत्ता आज से इसी सोसाइटी में रहेगा। यस यस। भिड़े भाई, केक। भिड़े भाई, केक।
अब्दुल तू केक लेके आया? हाँ बेड़े भाई, मुझे तो पहले से मालूम था कि बहुमत इस प्यारे से कुत्ते के साइड में ही होगा। अरे वाह, इसीलिए केक का बंदोबस्त मैंने पहले से ही करके रखा था। वाह वाह, शाबाश, क्या बात है। अरे बच्चों, कुत्ते को यहाँ लेके आओ। हाँ चलो भाई, हाथी अंकल को सबसे पहले दे दो। हाथी अंकल को सबसे पहले खिला दो भाई। अरे आप इस अय्यर इडली को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जीत का प्याला होठों तक आया ही था कि उसने छीन लिया। Yes, फाइनली अब ये कुत्ता हमारे साथ ही रहेगा। अभी ये कुत्ता गोकुलधाम सोसाइटी में ही रहने वाला है तो जेठालाल कुत्ते के काटने से होने वाले दर्द के लिए और इंजेक्शन के लिए तैयार हो जाओ। पिंकू, इसे कुत्ता कुत्ता मत बोल, अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अभी हमारे सोसाइटी का मेंबर है तो इसका कोई अच्छा सा नाम रखते हैं ना। हाँ, अच्छा आइडिया है। गुड आइडिया। हाँ, पर क्या नाम रखा है? इस कुत्ते की वजह से मेरी शादी तय होने का चांस है तो मेरे हिसाब से इसका नाम लकी रखते हैं। शादी लकी? अरे तुम्हारी शादी होने के लिए तुम्हारा लकी होना जरूरी है, कुत्ते का नहीं। कॉमन पोपटलाल भाई, लकी कितना कॉमन नेम है। सही बात है, इसका नाम लड्डू रखते हैं। लड्डू? लड्डू? हाँ। नहीं, लड्डू बहुत अच्छा नाम है आदि भाई, और आपके टेस्ट का भी है, लेकिन कुछ ऐसा नाम रखते हैं ना जो कुछ साहित्यिक हो, जैसे केतु। केतु? तारक, नाम बहुत अच्छा है पर कुत्ते के लिए बहुत हैवी है। कहाँ भारी है अंजलि भाई, दो ही तो अक्षर है, क और त, केतु। इसका नाम रखते हैं हम परफेक्ट। अंजलि भाभी, परफेक्ट नाम तो अच्छा है। परफेक्ट ना नहीं, पर कुछ यूनिक नाम रखते हैं, समथिंग डिफरेंट। एक दो तीन चार रखते हैं। अरे बेटा क्या बोल रहा है, ऐसा लगेगा कि एक साथ चार कुत्तों को बुला रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, नाम नहीं गिनती लगता है। एक दो तीन चार, ये कैसा नाम है गोगी? हाँ एकदम यूनिक है ना, आज तक किसी ने ऐसा नाम नहीं रखा होगा। गोगी टिकरा, इतना भी यूनिक नाम नहीं रखना है, किसी को समझ में ही नहीं आएगा। आइडिया, जीरा सोडा रखते हैं। इल्ले इल्ले। तो फिर मैंगो अचार रखते हैं ना? हाँ मौका है, बरोबर है। जीरा सोडा, अरे नाम कुछ ढंग का होना चाहिए। मैं क्या कहती हूँ, चंपू रखते हैं। चंपू? नहीं नहीं माधवी, अपनी सगाई होने के बाद तो मुझे इसी नाम से तो बुला। ओहो, तो फिर तो आप सोसाइटी में ऐसा अनाउंसमेंट होना चाहिए, मैं इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी चंपू आत्माराम भिड़े। सही बात है। ये पता नहीं कि क्या जरूरत थी। इट्स ओके। तो अभी क्या नाम क्या रखा जाए? जेठालाल। मतलब जेठालाल को बुलाकर पूछो, वो कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट कर सकता है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। बोलो, कुत्ते का भी नाम रखा जाएगा, धीरे धीरे उसका सोसाइटी में घर बनेगा, उसका राशन कार्ड बनेगा, पासपोर्ट बनेगा, आधार कार्ड बनेगा, और फिर देखते ही देखते एक दिन ये कुत्ता गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी भी बन जाएगा। डेविन, मेरी फ्रेंड को डिक्री हुई थी तो मैंने आपसे नाम पूछे थे ना। हाँ। ओ या दया भाभी, आपने एक से बढ़कर एक नाम सजेस्ट किया था। हाँ तो दया भाभी, इस बार भी कोई क्यूट सा नाम इसके लिए ढूंढिए ना। मेरे ध्यान में एक कुत्ते का नाम आ रहा है, वो बड़ा शानदार कुत्ता था और हमारी पोल में सभी कुत्ते थे ना, उनका वो बॉस था। तो बताइए ना दया भाभी, वही नाम रखते हैं इसका? हाँ बताती हूँ बताती हूँ, लेकिन अब सबको मेरे साथ बोलना पड़ेगा। तो बोलिए, ओड़ी झोड़ी पीपल पान, ओड़ी झोड़ी पीपल पान, फोये रा
कुछ सही दया। कितने खुश हो रहे सब, दौड़ा दौड़ी कर रहे। वाह वाह वाह, क्या नाम रखा है दया भी, शेरू मस्त नाम है। थैंक यू बिड़े भाई। गोकुलधाम का शेर। तो नाम अच्छा लगा ना शेरू? ओहो, तो भाषा भी समझ रहा है हमारी, एकदम स्मार्ट है। चलो भाई, बहुत देर हो गई है, अपने घर जाके सो जाते हैं। चलो अभी तो सो, सो और सोने दो। वही पर भीड़ अंकल, ये शेरू रात को कहाँ रहेगा? ले जा अपने घर ले जा। दिन भर तो शेरू यहीं पे ऐसे खुले में घूमेगा, रात में बांध कर रखेंगे इसको कहीं पे, ताकि रात को हमारा शेरू हमें छोड़कर कहीं चला ना जाए। या गुड। हाँ, इसलिए बांध के रखना जरूरी है कि कहीं चला ना जाए। और दूसरी जरूरी बात, मान लो कोई सोसाइटी में किसी के घर कोई मेहमान आ रहा हो और उसे खुला देख के डर ना जाए। अरे रात को नहीं, दिन में बांधने की जरूर है। रात को तो मैं घर में सो जाता हूँ, दिन में जाऊँ कैसे दुकान? और शेरू को बांध के कहाँ? एक काम करते हैं, इसको जेठालाल के घर की सीढ़ी के पाद बांध देते हैं। ए जो आजो वाइडी वाइडी, एक नंबर नी वाइडी आइटम छ। वो एकदम सेंटर में बांध, इसको सब दिखेगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ सीढ़ी के पास नहीं। क्या है, टप्पू के पापा कभी कभी दुकान से काम से लेट आते हैं, और बापूजी भी कसरत के लिए सुबह जल्दी जाते हैं, तो शायद गलती से शेरू के ऊपर पैर पड़ गया और शेरू ने गुस्से में आकर काट दिया, तो इसलिए सीढ़ी के पास नहीं। तारक आइडिया, शेरू को हम अपने घर के पास बांधते हैं। हाँ गुड आइडिया, बिल्कुल। हाँ यह भी ठीक है अंजलि भाभी। हाँ, वो जगह भी एकदम सेंटर में है, वहाँ से शेरू की पूरी सोसाइटी पर, गार्डन के गेट पर और सब जगह पर नजर रहेगी। एग्जैक्टली, आइए आइए चलिए। अरे शेरू के लिए कंबल शानदार। चलो भाई, शेरू के सोने का तो बढ़िया इंतजाम हो गया, अब हम भी घर जाकर सोते हैं। बहुत नींद आ रही है। चलो भाई, चलो चलो आ जाओ। गुड नाइट, गुड नाइट, क्या बात है, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट डॉक्टर साहब। अच्छा दया भाभी, गुड नाइट, गुड नाइट। चलो भाई अंजलि, नाउ ही सेटल। कुत्ते को सोसाइटी में रख लिया, अभी मैं सोसाइटी में आऊंगा जाऊंगा कैसे? अरे भगवान, आज तक मैंने कभी किसी कुत्ते को ना डराया ना सताया, फिर मुझे डराने के लिए सोसाइटी में कुत्ते को क्यों भेज दिया? क्या हुआ जेठिया, मीटिंग में क्या हुआ? रख लिया। किसको? कुत्ते को। सोसाइटी वालों ने कुत्ते को सोसाइटी में रख लिया। उसका नाम शेरू है। पता है, तूने ही उसका नाम रखा है ना, अपनी माँ की परंपरा निभाई। फैबा। फैबा? तो तेरी माँ मेरा नाम रखती है हमेशा, अभी तूने कुत्ते का नाम रख दिया। नाम रखा तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसको सोसाइटी में रखने की क्या जरूरत थी? टप्पू के पापा, सब लोग आपकी बात मान गए थे, लेकिन अय्यर भाई ने शेरू को रखने के लिए सबको मना लिया, उसमें मेरी क्या गलती है? बापूजी, अभी ये शेरू शेर की तरह सोसाइटी में खुले आम बिंदास घूमता रहेगा। याद है ना, भुज में नाथा काका एक बार चुपचाप चल रहे थे, पीछे से कुत्ता आया और उनको काट लिया। ठीक वैसे ही मैं दुकान जा रहा हूँ, तभी ये पीछे से शेरू ने आके मुझे काट लिया। तो नहीं नहीं टब्बू के पापा, आप डरिए मत, हमारे शेरू ऐसे पीछे से काटे ऐसा नहीं है। अच्छा, तो सामने से आके काटता है? नहीं नहीं टप्पू के पापा, हमारे शेरू आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से कहीं से भी काटे ऐसा नहीं है। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू माइके से अपने साथ शेरू को लेके आई है।
टप्पू के पापा। अरे भाई उसने मुझे काट लिया तो जिम्मेदार कौन है? ए भाई बंद करिए शेरू की बातें और चुपचाप सो जा। अरे बाबूजी क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं कुछ नहीं, जा चुपचाप सो जा। आइए टप्पू के पापा, बिना डरे सो जाइए। वैद्य जी शेरू को बांधा भी तो कहा, मैं था सबके घर के बाहर। ये तो वही बात हो गई, फायर ब्रिगेड के गेट के पास ही आग लगा दी। और मैं था सबके घर के बाहर शेरू को बांधने की क्या जरूरत थी? अय्यर भाई को इतना ही है शेरू का, तो अपने घर के बाहर बांधते शेरू को। शेरू ए शेरू अब 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 बेटा आई आओ इतने अब लोग खा लो ना बेटा। रुक रुक मैं गरम गरम थे अपने बना के दे दूँ। ला खा खा शेरू, गरम गरम है थे अपने, खाना बेटा ये खाना दीपू खाना, ये खाना ये खाने। नींद बोलो, नींद में भी शेरू को थेपले खिला रही है, वो भी गर्मा गर्म। कुत्ता रो रहा है, कुछ अशुभ होने वाला है। दया दया ए दया उठ। दया क्या है? अरे उठ। अरे क्या हुआ टप्पू के पापा, क्या हुआ? अरे तेरा शेरू रो रहा है। नहीं नहीं मेरा शेरू रो नहीं सकता, जरूर आपने सपना देखा होगा। अरे मैं सोया ही नहीं हूँ तो सपना कहाँ से देखूं? सुन सुन ना, तुझे पता है ना जब जब कुत्ता ऐसे रोता है तो जरूर कुछ ना कुछ अशुभ होता है। ये कुत्ता मुझे जरूर काटेगा। दोस्तों एक तो कुत्ते को सोसाइटी में रहने दिया, वही मेरे मित्र के लिए परेशानी का सबब है। जेठालाल इसी से परेशान है, ऊपर से बोनस ये कि कुत्ता रो रहा है। भाई कुत्ता रात को रोए तो पुराने जमाने से मान्यता है कि बड़ा अपशगुन होता है। भाई ये शगुन अपशगुन की कहानियां मुझे तो समझ में आती नहीं। कुत्ते के रोने से अगर अपशगुन होता है तो कुत्ते के हंसने से क्या अच्छा शगुन होता है? बिल्ली के रास्ता काटने से अपशगुन होता है? भाई मुझे समझ में नहीं आता कि इंसान अपने शगुन अपशगुन में इन जानवरों को क्यों घसीट लेता है। और कई बार तो लोग ये भी कहते हैं कि कांच टूटे तो अच्छा शगुन होता है, तो जब सोसाइटी में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और खिड़की का कांच टूट जाता है तो हम लोग खुशियां क्यों नहीं मनाते? खैर साहब ये तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं शगुन और अपशगुन की, लेकिन जेठालाल इसमें मानता है। इस वक्त स्थिति यह है कि सोसाइटी में कुत्ता रो रहा है, सन्नाटा है और जेठालाल परेशान है। कुत्ते के रोने से जेठालाल बिल्कुल रोने जैसे हो गए। लेकिन आपके घरों में हम रोने की बात क्यों करें? आप हंसते रहेंगे जब देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.